चीन और रूस के बाद पीएम मोदी तीन देशों के दौरे पर हैं। हालांकि पीएम मोदी की यात्रा से चीन घबराया हुआ है। पीएम मोदी इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी कुछ देर बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचेंगे। 29 मई से 2 जून यानी 5 दिनों में पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा करेंगे। ये पीएम मोदी की पहली इंडोनेशिया यात्रा है। पीएम वहां भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पीएम सिंगापुर और इंडोनेशिया से संबंध मजबूत कर चीन के साथ पाकिस्तान को भी संदेश देंगे। इंडोनेशिया के साथ डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग पावर, सिंगापुर के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने पर पीएम का जोर होगा। पीएम मोदी के दौरे से घबराए चीन के सरकारी अखबार ने इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट भारत और इंडोनेशिया की रक्षा साझेदारी पर चेतावनी दी है। अखबार ने लिखा है कि अगर भारतीय नौसेना को सबांग पोर्ट पर आने की छूट मिली तो चीन भी भारतीय महासागर में ऐसा ही कदम उठाएगा। पीएम मोदी जकार्ता में पतंग प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इस पतंग प्रदर्शनी में रामायण और महाभारत से जुड़ी तस्वीरें होंगी। प्रधानमंत्री 2 दिन की इंडोनेशिया यात्रा के लिए जकार्ता आ रहे हैं। ये कन्वेंशन हॉल है, यहाँ उनकी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, वॉलंटियर्स हैं, इनको जिम्मेदारी दी जा रही है। इस हॉल में 5-6 हज़ार लोग आएंगे। सिंधी होंगे, तमिल मूल के लोग होंगे, भारत के लोग होंगे यहाँ, और ये तमाम लोग वो होंगे जो प्रधानमंत्री को यहाँ सुनना चाहते हैं, जो इंडोनेशिया की सक्सेस स्टोरी से जुड़े हुए हैं।